के वार्ड नंबर 16 में लोगों को आ रही बिजली की समस्या को देखते हुए आज नए ट्रांसफार्मर लगाया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गोपाल महाजन और वार्ड नंबर 19 के पार्षद राहुल देवा उपस्थित रहे। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 19 के जो हमारे पार्षद हैं और अभी हम लोग वार्ड नंबर 16 के क्षेत्र में पहुंचे हैं, तो जिस तरह से मेरे भाई राहुल जी बता रहे थे कि पिछले काफी दिनों से इस वार्ड के अंदर एक बिजली की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी, जिसके उपरांत इन सभी ने पिछले दिनों एक प्रोटेस्ट भी करा था, आप सबके नोटिस में है जिस तरह राहुल जी बता रहे थे। तो आज ये ट्रांसफार्मर जो है वो इंस्टॉल हुआ है, तो मैं अपनी तरफ से राहुल जी और तमाम जितने भी हमारे यहाँ के निवासी हैं इनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। स्पेशली जो राहुल जी जो हमारे बहुत ही होनहार पार्षद हैं और समय समय पर लोगों की बेहतरी के लिए काम करते रहते हैं, तो एक बार फिर से मैं इनको बहुत मुबारकबाद देते हुए कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों की बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। जिस प्रकार मोदी जी इस देश के लिए कार्य कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि राहुल जी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, मेरा जिले का जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग आपके बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं, अपना प्रयत्न कर रहे हैं। आने वाले समय में भी आप देखेंगे जिस तरह से भी लोगों की बेहतरी के लिए हमसे जो होगा, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता से जो होगा, हम लोग हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे हैं। आने वाले समय में भी ऐसा आप देखेंगे कि हमारे ही कार्यकर्ता जो है खड़े रहेंगे। पिछले दिनों आपने देखा कोरोना की महामारी आई, तो उस समय भी आपने देखा कि समाज में बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन कोई भी घर से जो है वो नहीं निकला। हमारे ही कार्यकर्ता हॉस्पिटलों में, हमारे ही कार्यकर्ता वैक्सीनेशन सेंटर्स में या टेस्टिंग के लिए सुविधा देखने के लिए, हमारे ही कार्यकर्ता लोगों की बेहतरी के लिए कहीं ना कहीं खड़े रहे हैं। आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोगों की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए कार्य करेगा।